दोस्तों इससे पहले मैंने वेबएक्स फोम प्रो 1.0 ये वाला मैनुअल फोम स्प्रेयर का वीडियो बनाया था जिसको कंपनी ने अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है और इस फोम स्प्रेयर के अपग्रेडेड वर्जन वेबएक्स फोम प्रो 2.0 लॉन्च हो चुका है जिसको मैंने ऑर्डर किया था और प्रोडक्ट फाइनली हमारे हाथ में आ चुका है। और ये वाला फोम स्प्रेयर भी दोस्तों चीप प्राइस में मिल जाता है कंपेयर करें अगर आई के फोमर जैसे महंगा फोम स्प्रेयर से। तो आज के इस वीडियो में इस बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे और फोम स्प्रेयर का क्वालिटी और परफॉर्मेंस कैसा है वो भी टेस्ट करेंगे। तो कृपया वीडियो के साथ बना रहे और वेबएक्स फोम प्रो 2.0 फोम स्प्रेयर का परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने डाल दिया है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वहां से खरीद सकते हैं। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो बना डाएंगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर में ये रहा फोम स्प्रेयर का बॉटल और इसके अलावा ये रहा फोम स्प्रेयर का हेड पार्ट या फिर मेन पार्ट और इसके अलावा बॉक्स खाली है, इसको साइड में करते हैं। और यहाँ पर बॉटल के अंदर में कुछ और चीज़ें भी है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नोजल मिल रहा है और इसके अलावा ये रहा फोम स्प्रेयर का इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इसको साइड में करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हेड पार्ट के ये वाला पोर्शन में ये जो पाइप है ये है सक्शन पाइप और यहाँ पर फोम स्प्रेयर के बॉटल के सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है वेबएक्स ऑटोकेयर फोम प्रो 2.0 और इसके बैक साइड में देखेंगे तो थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ। बैक साइड में इस फोम स्प्रेयर के बारे में कुछ डिटेल्स मेंशन किया गया है, यहाँ पर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ को देख सकते हैं। और मैक्सिमम रिटेल प्राइस यहाँ पर ₹1999 लिखा है और इस फोम स्प्रेयर के बॉटल में दोस्तों आप मैक्सिमम 2 लीटर तक सॉल्यूशन फिल कर सकते हैं और इस साइड में मेजरिंग स्केल भी लिखा है, कितना दिख रहा है मुझे पता नहीं, यहाँ तक है 2 लीटर और थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है। तो अभी सबसे पहले दोस्तों फोम स्प्रेयर के हेड पार्ट को अटैच कर देते हैं बॉटल के साथ। तो लुक वाइज यहाँ पर देख सकते हैं वेबएक्स फोम प्रो 2.0 काफ़ी प्रीमियम और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन वाला है और फोम स्प्रेयर के ऊपर में ये रहा पंपिंग रॉड या फिर पंपिंग हैंडल और इसके मदद से पंप करके आपको एयर प्रेशर को फोम स्प्रेयर के अंदर में फील करना है और ये वाला जो ट्रिगर है इसको ऐसे प्रेस करके फोम को स्प्रे करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर एक्सेस एयर प्रेशर को निकालने के लिए कोई डीप्रेशराइजेशन वाल्व या फिर एयर प्रेशर रिलीजिंग नॉब नहीं है। अगर आपको एक्सेस एयर प्रेशर निकालना है फोम बॉटल के अंदर से तो इसी ट्रिगर के मदद से इस तरीके से आपको निकालना है। तो ये वाला चीज़ दोस्तों मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया और यहाँ पर जो 2 एक्स्ट्रा नोजल इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। टोटल 3 नोजल इस फोम स्प्रेयर के साथ आपको मिल रहा है, एक है फोम नोजल जो कि यहाँ पर पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, बाकी 2 है स्प्रे मिस्ट नोजल या फिर वाटर नोजल, एक है 1 होल वाटर नोजल, दूसरा है 4 होल वाटर नोजल। तो आप कार शैम्पू या फिर किसी फोम बेस्ड व्हील क्लीनर या फिर पानी के साथ डाइल्यूटेबल किसी कार इंटीरियर क्लीनर को यूज़ करना चाहते हैं देन आपको ये फोम नोजल को यूज़ करना है। लेकिन आप किसी मतलब वाटरलेस कार वॉश या फिर लिक्विड बेस्ड क्लीनर या फिर नॉर्मल पानी को यूज़ करना चाहते हैं देन आपको ये वाला दोनों में से किसी एक स्प्रे मिस्ट नोजल को यूज़ करना है। अभी दोस्तों अगर आप नोजल को चेंज करना चाहते हैं तो वो एकदम सिंपल है, जो नोजल पहले से लगा हुआ है उसको सबसे पहले आपको काउंटर क्लॉकवाइज में अनस्क्रू कर लेना है, उसके बाद जिस नोजल को आप यूज़ करना चाहते हैं उसको लगाना है। लेकिन लगाने से पहले आपको मेक श्योर कर लेना है ये वाला जो सीलिंग गैस्केट है ये नोजल के अंदर में डला हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है देखिए ये नीचे की तरफ रहेगा ऐसे, इस तरीके से देखिए ऐसे डलना है, सेम तरीके से ये वाला भी नीचे की तरफ रहेगा और उसके बाद आपको सिंपली इस नोजल को ऐसे लगा के क्लॉकवाइज में स्क्रू कर देना है। तो ये प्रॉपरली अटैच इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर, सेम तरीके से इसको भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं, देखिए देख लीजिए। तो अभी वापस से इसको निकाल देते हैं और फोम नोजल जो है इसको वापस से स्क्रू कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ जो कि फोम प्रो 1.0 में भी था, ये वाला जो नोजल है फोम नोजल के ये वाला जो रेड कलर का पार्ट है जहाँ से फोम मतलब स्प्रे होगा, इसको आप अपने हिसाब से इसके एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर से देखिए ये वाला पोर्शन से
इसको थोड़ा सा लूज़ करना है। लूज़ करके अपने हिसाब से इसके एंगल को एडजस्ट कीजिए ऐसे, उसके बाद वापस से इसको क्लॉकवाइज में घुमाइए तो ये जो है देखिए टाइट हो जाएगा। वेबएक्स फोम प्रो 2.0 को हम यूज़ करेंगे कार शैम्पू के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास है साइनएक्स प्रो बबल वॉश स्नो फोम शैम्पू, और शैम्पू का डायलूशन रेशियो है 1:25 का। तो यहाँ पर हम अंदाजा से 20-25 ml शैम्पू को मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा मात्रा में पानी फोम स्प्रेयर के अंदर में डाल देते हैं ताकि शैम्पू को मिक्स करने में आसानी हो। तो यहाँ पर मेजरिंग कैप में दोस्तों हम नाप के 25 ml शैम्पू डाल लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके जो शैम्पू लगा है इसको भी डाल देंगे। 2 लीटर तक हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर इसको पंप करते जाना है जब तक इस पंपिंग रॉड पर प्रेशर आपको महसूस ना हो। पंपिंग रॉड जो है इसको और पंप नहीं किया जा रहा है, तो इसका मतलब एक्सट्रीम एयर प्रेशर जो है फोम स्प्रेयर के अंदर में फील हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर फोमिंग का थिकनेस और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, पूरा टायर और व्हील के ऊपर में एकदम चिपक गया है। किसी भी फोम बेस्ड व्हील क्लीनर को आप इस फोम स्प्रेयर के मदद से काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और एकदम ड्राई टाइप फोम है, मतलब पानी इसके अंदर में बिल्कुल भी नहीं है ऐसा लग रहा है। तो मैंने वेबएक्स फोम प्रो 1.0 को पर्सनली यूज़ किया, तो उसके परफॉर्मेंस के मुकाबले इसका मतलब फोम प्रो 2.0 का परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा ज़्यादा ही पसंद आया। यहाँ पर फोमिंग का जो स्प्रे है देखिए कितना कॉन्स्टेंटली स्प्रे हो रहा है। तो यहाँ पर एकदम देखिए सेविंग फोम जैसा लग रहा है। तो एक चीप प्राइस में मिलने वाला फोम स्प्रेयर से दोस्तों जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ यहाँ पर उससे कई गुना अच्छा रिजल्ट आया है। दोस्तों जैसे हर एक प्रोफेशनल फोम स्प्रेयर के वीडियो में मैं ये बात कहता हूँ, प्रोफेशनल फोम स्प्रेयर को आप जुगाड़ से बनाया गया फोम स्प्रेयर से कभी भी कंपेयर ना करें, क्योंकि एक प्रोफेशनल फोम स्प्रेयर जैसा परफॉर्मेंस एक जुगाड़ से बनाया गया फोम स्प्रेयर आप चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना करें नहीं दे सकता। और यहाँ पर आप फोमिंग का थिकनेस भी देख सकते हैं, एकदम स्नो स्नो हो गया, देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, फोम प्रो 2.0 का जो स्टिकर फोम स्प्रेयर के बॉटल पर लगा हुआ था, ये शैम्पू लगा हुआ हाथ से पकड़ने पर धीरे धीरे निकल जा रहा है। तो ये तो नॉर्मल बात है, यूज़ करते करते फोम स्प्रेयर के बॉडी से ये स्टिकर नहीं रहेगा, निकल जाएगा। दोस्तों जिन लोगों के पास प्रेशर वॉशर या फिर फोम कैनन नहीं है, उनके लिए कार या फिर बाइक को फोम वॉश करना लगभग इम्पॉसिबल है, तो वो लोग भी शौक रखते होंगे फोम वॉश करने के लिए अपने कार या फिर बाइक को, तो ये वाला मैनुअल फोम स्प्रेयर अगर उनके पास होगा डेफिनेटली आसानी से वो कार या फिर बाइक को फोम वॉश कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर वॉशर या फिर मैनुअल फोम कैनन के, और यहाँ तक के बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, हालाँकि किसी भी फोम कैनन को यूज़ करने के मुकाबले एक मैनुअल फोम स्प्रेयर को यूज़ करना थोड़ा मेहनत का काम ज़रूर है, क्योंकि इसमें एयर प्रेशर ख़त्म होते ही वापस से पंप करना पड़ता है। और यहाँ पर ओवरऑल तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से पूरा फोम लग चुका है कार के बॉडी पर। लेकिन दोस्तों ये बात भी सही है, आप फोम स्प्रेयर के बॉटल पर जितने कम मात्रा में सॉल्यूशन यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा मात्रा में एयर प्रेशर के लिए स्पेस रहेगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में एयर प्रेशर फील होगा। तो अभी असली बात है, स्प्रे भी ज़्यादा टाइम तक आप कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 2 लीटर के जगह हमेशा आप 1.5 लीटर के करीब सॉल्यूशन यूज़ कीजिए। अभी दोस्तों वेबएक्स फोम प्रो के साथ हम कार अपहोल्स्ट्री कम इंटीरियर क्लीनर को यूज़ करेंगे। हमारे पास है डैजलो ब्रांड का कारपेट एंड अपहोल्स्ट्री क्लीनर कॉन्सेंट्रेट, तो इसको पानी के साथ डायल्यूट करके यूज़ करना पड़ता है। नॉर्मली स्प्रे बॉटल पर अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर फोम प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन फोम स्प्रेयर पर यूज़ करेंगे तो फोम प्रोड्यूस होगा। दोस्तों यहाँ पर कार के डोर के साइड पैनल उतना ज़्यादा गंदा तो नहीं है, यहाँ पर वीडियो के लिए बस दिखा रहा हूँ, एकदम कार इंटीरियर फोम जैसा यहाँ पर लग रहा है, ड्राई टाइप फोम। अब एक बार सोचिए कार इंटीरियर फोमिंग क्लीनर को अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपके कितना ज़्यादा इन्वेस्ट होता पैसा, लेकिन पानी के साथ डायल्यूटेबल कार इंटीरियर क्लीनर को अगर आप फोम स्प्रेयर के साथ यूज़ करते हैं देन डेफिनेटली कितना ज़्यादा आपके
पैसे का बचत होगा। आप एक बार सोचिए, एकदम कार इंटीरियर फोमिंग क्लीनर जैसा सेम टू सेम है वैसा नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक है। फोम प्रो 1.0 में ये वाला डी प्रेशराइजेशन वाल्व प्रोवाइड किया गया था कंपनी की तरफ से, जिसकी मदद से आप एक्सेस एयर प्रेशर को इस तरीके से निकाल सकते थे। तो वो वाला डी प्रेशराइजेशन वाल्व को फोम प्रो 2.0 से हटा दिया है, तो उसके हिसाब से इस फोम प्रो 2.0 को मैं 10 out of 10 नहीं दूंगा। इसके परफॉर्मेंस अच्छा होने के बावजूद भी इसको मैं 8 out of 10 दे सकता हूं। तो आप चाहे तो इसको परचेस जरूर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। बस एक चीज़ को खाली आपको ध्यान रखना है, अगर आपको एयर प्रेशर मतलब एक्सेस एयर प्रेशर को निकालना है तो आपको इस ट्रिगर को प्रेस करके ही निकालना पड़ेगा, जिसमें होगा क्या, जो सॉल्यूशन आप फील करेंगे एयर प्रेशर निकालने के साथ साथ सॉल्यूशन भी बेकार में वेस्ट होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।